छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रदेश महामंत्री किरण देव पर कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी रोजगार देने में असफलता को ढकने के लिए झूठी और मनगढ़ंत राजनीति कर रही है, क्योंकि मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने रोजगार देने के बजाय 23 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 15 साल रमन सरकार के कार्यकाल थी, उस वक्त 22% बेरोजगारी दर थी, जबकि भूपेश सरकार में बेरोजगारी दर घट गई है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार के रोजगार देने में असफलताओं को ढकने के लिए झूठे और मनगढ़ंत राजनीति कर रही है। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा कर सत्ता पाने वाले भाजपा 8 साल में 16 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, जो नहीं दे पाई है। उल्टा 23 करोड़ हाथों से रोजगार छीना गया है।